नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का स्वागत है। साल 2023 यानी कि दिसंबर 2023 बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दरअसल इस दिन भारत में ही नहीं बल्कि भारत में रहकर बहुत से देशों के लिए वह घटना ऐसी होगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि G20 का सम्मेलन पहली बार भारत में किया जा रहा है। G20 का सम्मेलन यहाँ पे होगा और इसके लिए जो जगह तय की गई है वो है जम्मू कश्मीर में ये सम्मेलन होगा। G20 में कौन कौन से देश शामिल हैं अगर उनकी बात करें तो इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इसके अलावा इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरबिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, इसके अलावा ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट और यूरोपियन यूनियन, ये सभी देश इसमें शामिल हैं जो कि बहुत ही बड़े और समृद्ध देश हैं जिनकी आर्थिक स्थिति भी बहुत ही अच्छी है। ये सारे ही देश इसमें शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो 5 अगस्त 2019 से पहले जो जम्मू कश्मीर यहाँ पर था जिसमें अलगाववादी और आतंकियों का खतरा बहुत ही ज़्यादा रहता था, तब उस समय के जम्मू कश्मीर में इन सभी को बुलाना मुश्किल था, पर अब इन सारे देशों के हेड ऑफ स्टेट यहाँ पर जम्मू कश्मीर में शामिल होंगे। 5 अगस्त 2019 को यहाँ से अनुच्छेद 370 और 35A हटाया गया जिसके बाद जम्मू कश्मीर की तकदीर ही बदल गई। दरअसल जम्मू कश्मीर में जब ये अनुच्छेद हटाया गया तो विपक्षियों ने बहुत ही विरोध किया कि संविधान के खिलाफ काम किया जा रहा है, इसमें संविधान को शामिल नहीं किया जा रहा है, यह संविधान और देश के लिए खतरा है, इस तरह की चीज़ें की गई, पर जो हुआ वो सभी के सामने है। तो अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद परिस्थितियों में बदलाव करने के लिए यहाँ पर बहुत से प्रयास किए गए, जिसमें 5 मार्च 2020 को राज्य के लिए एक डीलिमिटेशन आयोग का गठन किया गया, जिसमें क्योंकि वहां पर चुनाव को नई परिस्थितियों में डालना बहुत जरूरी था, क्योंकि इतने सालों से ये जो वहां के खुद लोग थे, वहां की जो सत्ताधारी थे, वो अपनी मन मर्जी करते आ रहे थे, वो कानून को पैरों तले रोंदकर अपनी मन मर्जी करते आ रहे थे, तो इसी को नई परिस्थितियों में ढालना बहुत ही जरूरी था और डीलिमिटेशन ने अपना काम बखूबी और तेजी से शुरू कर दिया गया, जिसके बाद मई 2022 को एक रिपोर्ट जारी कर दी गई जिसमें राज्य विधानसभा में सीटों को बढ़ा दिया गया, 83 से 90 कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन को ठीक किया गया, जम्मू के लिए 6 सीटें बढ़ाई गई और कश्मीर के लिए 1 सीट को बढ़ा दिया गया। वहीं जम्मू के पास अब कुल 43 सीट थी और कश्मीर के पास 47 सीट हो गई। वहीं दूसरी तरफ इसके अलावा जो आयोग था उसने केंद्र सरकार को दो सीटें जो विस्थापितों के प्रतिनिधित्व के लिए बढ़ाने का आग्रह किया, बढ़ाने के लिए या नामांकन करने के लिए कहा गया। वहीं दूसरी तरफ जो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर था उनके लिए भी 2 सीटें बढ़ाने का नामांकन करने का आग्रह किया गया, जिसके बाद इसको मंजूरी भी दी गई। वहीं एक तरफ डीलिमिटेशन अपना काम कर रहा था और दूसरी तरफ जो वहां की स्थानीय संस्था DDC उसके लिए चुनाव किए जा रहे थे, जिसमें बखूबी सबको रिजल्ट सबके सामने आ गए। जो BJP थी यहां पर 74 सीटें मिली BJP को और विजयी रही, बल्कि जो गुपकार गुट था, जो यहाँ के गुपकार गुट था, उसके गठबंधन को टोटल ही 110 सीटें मिली और BJP बन गई यहाँ पर अकेले सबसे ज्यादा वोट पाने वाली पार्टी या सीट। हर घर तिरंगा का जब मोदी जी ने अभियान चालू किया तो यहाँ के लोगों में बड़ा ही उत्साह देखने को मिला, सभी के बीच में उत्साह देखने को मिला और यहाँ के लोग जो आज तक इस तरह उत्साह पूर्वक तिरंगे को लहराते हुए कभी भी दिखाई नहीं दिए थे, वो मोदी जी ने कर दिखाया और यहाँ के लोगों ने हर घर तिरंगा लगाया। वहीं दूसरी तरफ
जो नतीजा निकलकर इसका सामने आया वो क्या था कि गुपकार गुट में टूट हो गई, गुपकार गुट में टूट हो गई। जो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी उसने अपने आप को अलग कर लिया और उसने कहा कि वह 90 सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी के इतने साल से दिग्गज रहे यहाँ पर गुलाम नबी आजाद, उन्होंने भी अपनी पार्टी से कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और नई पार्टी यहाँ पर बनाने का फैसला किया। जिसके बाद जम्मू कश्मीर में 25 नवंबर तक जो नई मतदाता सूची है वो जारी कर दी जाएगी। जिसके बाद जो मतदाता है, मतदाताओं की बढ़ोतरी होगी जो कि 25 लाख होगी। यहाँ पर नए मतदाता आने वाले हैं क्योंकि जो यहाँ पर लंबे समय से रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर अब भारत का ही संविधान लागू है। जो देश के अन्य राज्यों में वोट दे सकते हैं वो जम्मू कश्मीर में भी अब वोट दे सकते हैं। उनके लिए वो भी अपनी जो वहाँ पर लंबे समय से रह रहे हैं वो भी अपना नामांकन इस सूची में करवा रहे हैं और तेजी से वोटरों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ दिसंबर 2023 में जो G20 का सम्मेलन होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए। मोदी जी ने क्या किया है ये इसी से पता चलता है, क्योंकि यह सम्मेलन इटली में होने वाला था पर मोदी जी के आग्रह करने पर इटली मान गया और यह सम्मेलन अब भारत में किया जाने वाला है। भारत की प्रतिष्ठा को मोदी जी कहां तक लेकर गए हैं ये सभी को पता है, पर अब मोदी की ताकत ये है कि मोदी अगर किसी से कुछ कहें या देश के किसी और व्यक्ति से दूसरे देशों में जाकर कुछ कहें तो उन्हें भी उनकी बात मानने पर मंजूरी देनी पड़ती है। यही चीज़ G20 के इस महासम्मेलन से पता चलता है। मोदी ने भारत को नई बुलंदियों तक पहुंचाया है और इसी का सहारा अब वो भारत को और आगे बढ़ाने के लिए ले रहे हैं। जब मोदी जी से कहा जाता है कि यह जो सब हो रहा है भारत में ये किसने किया, तो पब्लिक बोलती है कि आपने, पर जहां पर मोदी बोलते हैं कि मैंने नहीं, आपके सिर्फ एक वोट ने ये कर दिखाया है। तो ये है मोदी की ताकत। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टैंक।